गाइस, आज हम जा रहे हैं AKTU यूनिवर्सिटी। तो आप लोग वीडियो में देखते रहे, बाकी बाद में बात करते हैं। अभी टाइम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो गया समय, तब सीधे चलते हैं हम कैंट स्टेशन पे। टर्म हम लोग गाइस आ चुके हैं कैंट पर। ये बाबा हैं, तो हम भी अभी लोग टिकट कटाएंगे। तो गाइस ये अमन आ गया है, शिवानंद बाबा, ये प्रांशु भी है, बाकी हम लोग जा रहे हैं अभी टिकट उपट कटाने। तो के लिए निकला जा रहा है, अब आ गए हम कैंट स्टेशन पे। हम लोग गाइस हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 5 है, हम लोग का ट्रेन 5 बजे आएगा, तभी जा रहे हैं हम लोग। वो आ रहे हैं पीछे है शिवानंद बाबे का, 9-10 बजे पहुँचा जाएगा, AKTU चला जाएगा यूनिवर्सिटी में। हम मिलते हैं पहुँचने के बाद, लखनऊ पहुँचते हैं सीधे। ट्रेन आने वाला हम लोग का, स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का, हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं। अमन अमन कुछ बोलो। अमन भाई वेट कर रहे हैं ट्रेन का, थोड़ा लेट हो गया है, चला जाएगा। ये अमन बैठा है, ये शिवानंद है, ये अमन शिवानंद, ये रहा हम लोग का, ये शिवानंद। हाँ आ गए लखनऊ हम लोग, ये दिव्यांश, ये शिवानंद। जल्दी जल्दी चला जा रहा है, 10 बज गया है, और लखनऊ से निकल रहे हैं बाहर हम लोग, स्टेशन से बाहर। लखनऊ आ गए, लखनऊ के बाहर का सीन है ये। कहाँ गए थे? लखनऊ का सीन है ये। और मैं आपको एक नमूना दिखाता हूँ, और ये मेरे बाबा है, मालिक है। तो गाइस देखो ऑडियंस है, ये टोटो से जा रहा है मिस्टर पार, और ये अमन है, ये जो है ये शिवानंद। अब हम लोग अम्बेडकर पार्क से निकल कर जा रहे हैं, जहाँ पर लड़के हैं सब, यहाँ पर आए थे, कोई है नहीं। मालिक
ठीक है, वो आए और अपनी बात रखा रहे। किसान यूनियन का यहाँ पे मीटिंग चल रहा है, गार्डन हुए, बहुत ज्यादा भीड़ है। अपनी बात उनके संज्ञान में लाए और उनके द्वारा शासन के स्तर से बात करके उन समस्याओं का निराकरण किया। तो उस समय गन्ना ही ऐसी फसल है कि सूखे में जो है गन्ना का पैदावार अच्छा होता है। जब यहाँ निवासी से इतने बच्चे बसाए हैं, समस्त राष्ट्रीय प्रदेश हो रहे हैं एवं जिला स्तर के पदाधिकारी गण, मैं एक ऐसी समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित, कुछ कमजोर हो सकते हैं लेकिन जनपद मुजफ्फरनगर से इतने लोग लेकर आए कि एक रेल में लोग नहीं आए तो पटरी पे बैठना पड़ा, जब दूसरी रेल में आए मुजफ्फर लेके आओ घर, तुम्हारा बगल में है नाम जस्टिस मिलेगी भैया सबको। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, आप देख रहे हैं द न्यूज प्लग। आज हम इको गार्डन पे हैं और यहाँ पर जो है कुछ मेडिकल छात्र जो है धरने पर बैठे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, मेडिकल छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं मेडिकल छात्रों के पास। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम क्षितिज कुमार यादव है, मैं बलिया का रहने वाला हूँ। और यहाँ आप यहाँ भाई इको गार्डन में किस लिए सब लोग यहां आज हम अपने AK2 से कुछ मांगों को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको AK2 अभी मांगने के लिए कोई ऐसा अनुमति नहीं दिया जिससे हम लोग को संतावना मिले। पहली मांगे हम लोग की ये है कि जितने बच्चों का
ईयर बैग लगाया है उसको तुरंत प्रमोट किया जाए और दो 2016 और 17 में 40 नंबर के मार्क्स मिलते थे उसको फिर से लागू कर दिया जाए। अच्छा, ईयर बैग कब लगा? ईयर बैग हम लोग देखिए एक PCI का रूल है, PCI जो कि आप फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर मतलब फर्स्ट ईयर आप क्लियर करेंगे तो थर्ड ईयर में जाएंगे और सेकेंड ईयर क्लियर करेंगे तो आप फोर्थ ईयर में जाएंगे। हुआ क्या कि जब हम लोग फर्स्ट ईयर का पेपर दिए तो उसमें सबकी बैग एक आध दो किसी की एक आध दो बैग आई, जिसको एक चांस मिला हम लोगों को दो चांस मिला जिसका रिजल्ट नहीं घोषित हुआ और हुआ भी तो एक 8 महीने बाद हुआ। अब हम लोगों के पास इतना विलम्ब करके रिजल्ट दिए कि कोई चांस ही नहीं मिला कि फिर उस पेपर को हम लोग दोबारा दे पाए जिसके वजह से हम लोग की ईयर बैग लग गई। अब दिक्कत ये है कि जिन बच्चों का ईयर बैग लगा है 10 नंबर से उसको ग्रेस मार्क्स भी देने के लिए तैयार नहीं है जो कि दो अरे हम लोग नऊ से अपने रूम पे रैली में आए थे तो रैली में लगा है बता दो ये लखनऊ का स्टेशन है, ये सब ग्रुप के बंदे हैं ये लखनऊ का है।